और चलिए अब हम आचार्य जी से जानेंगे आज का विशेष महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज भैरवाष्टमी है। भगवान श्री काल भैरव भगवान शंकर के पूर्णावतार बताए जाते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। और आज की तिथि यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मध्यान्ह काल में यानी दोपहर में भगवान काल भैरव का प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था, या यूं कहें कि उनका जन्म हुआ था। अतः आज का दिन जो है, आज की तिथि में भैरव जयंती मनाई जाती है। शिव पुराण शत्रुघ्न संहिता के अध्याय 8 के अनुसार भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरवाष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा है। इस दिन श्रद्धालु जो है वह व्रत रखते हैं। इस दिन प्रत्येक प्रहर में काल भैरव और ईशान नाम के शिव की पूजा और अर्घ देने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। आधी रात के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरी रात्रि जागरण किया जाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता है, इसलिए आज की तिथि में कुत्ते विशेषतया काले रंग के कुत्ते की भी पूजा करते हैं और उसे कुछ भोजन अपनी तरफ से अवश्य कराते हैं। इस व्रत की कथा का उल्लेख जो है वह शिव पुराण में आया है। भैरव भगवान शिव के दूसरे रूप में माने जाते हैं। मान्यता है कि आज की ही तिथि में दोपहर के समय में शिव के प्रिय गण भैरवनाथ का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भैरव से काल भी भयभीत रहता है, इसलिए उन्हें काल भैरव कहते हैं। देश में भैरव जी के कई प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जिनमें हमारे काशी स्थित काल भैरव मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। भगवान भैरव पर दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन किलकारी भैरव के विषय में मान्यता है कि वह शराब चढ़ाने से, मदिरा चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। और शराब वो आज की शराब नहीं, जो वाइन आप अक्सर देखते होंगे लोग दुकानों से खरीदते हैं और उनको चढ़ाते हैं। शराब भी जो पुराने समय में जो पुराने तरीके से बनती थी, चावल वाली शराब या जौ वाली शराब, वो चढ़ाने का विधान है। आज लोगों ने उस स्वरूप को भी बिगाड़ दिया है। लोग जाते हैं अंग्रेजी शराब की दुकान से वाइन खरीद के लाते हैं, विस्की चढ़ाते हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में श्रद्धालु भैरव जी को मदिरा अर्पित करते हैं। ऐसा मानते हैं कि यह व्रत गणेश विष्णु यम चंद्रमा कुबेर आदि सभी देवताओं ने किया था और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति बने, अप्सराओं को सौभाग्य मिला और कई राजा चक्रवर्ती बने। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। भैरव जी के उपवास के लिए अष्टमी या चतुर्दशी युक्त रविवार और मंगलवार ग्राह्य माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन स्नान के बाद पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से यदि उसके उपरांत काल भैरव की पूजा किया जाए तो जो उपासक है, जो साधक है, साल भर उसके सारे विघ्न जो है वह उससे दूर रहते हैं। भगवान भैरव की कृपा से वह व्यक्ति और उसका परिवार सुरक्षित रहता है। मान्यता यह है कि महाकाल भैरव मंदिर में चढ़ाए गए काले धागे को गले में या अपनी बाजू में अपने हाथ में बांधने से भूत प्रेत और जादू टोने का असर भी नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ काशी में जो काल भैरव का मंदिर है वहाँ काला गंडा मिलता है, हम लोग उसको हाथ में भी बांधते हैं, गले में भी धारण करते हैं, जिससे आपको सुरक्षा मिलती है। वाराणसी पुरी की अष्ट दिशाओं में स्थित अष्ट भैरव, जिनमें से रुरु भैरव, चंड भैरव, अतिसांग भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव तथा संहार भैरव हैं, जिनका दर्शन आराधना जो है वह अभिष्ट फलप्रद देता है। रोली सिंदूर रक्त चंदन का चूर्ण लाल फूल यानी लाल पुष्प गुड़ उड़द का बड़ा जो बड़ा बनाया जाता है, धान का लावा, गन्ने का रस, तिल का तेल, लोबान, लाल वस्त्र, भुना केला, सरसों का तेल, ये भगवान भैरव की प्रिय वस्तुएं हैं। इन चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन भैरव जी की 8 बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सर्वविध पाप जो है वो उसके विनष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र जिनके पावन चरण कमलों की भक्ति पूर्वक निरंतर सेवा करते हैं, जो व्याल रूपी विकराल यज्ञ सूत्र धारण करने वाले हैं, जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, जो दिगंबर स्वरूपधारी हैं, कृपा की मूर्ति हैं, नारदादि सिद्ध योग वृंद जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन काशीपुरी के अभिरक्षक स्वामी काल भैरव की मैं चरण वंदना करता हूँ। इसी प्रकार आपको उनकी प्रार्थना करनी है। जो करोड़ों सूर्य के समान दीप्तमान हैं, जो भयावह भव सागर पार कराने वाले परम सामर्थ्य प्रभु हैं, जो नीलकंठ वाले अभिष्ट वस्तु को देने वाले और तीन नेत्रों वाले हैं, जो काल के भी काल हैं, कमल के समान सुंदर नैनों वाले हैं, अक्षमाला और त्रिशूल धारण करने वाले अक्षर पुरुष हैं,
उनकी उन काशीपुरी के अभिरक्षक स्वामी काल भैरव के मैं चरण में वंदना करता हूं। श्री काल भैरव के ऐसे स्वरूप का ध्यान करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपके सभी कष्ट जो है वो दूर होंगे। अब समय का अभाव है हमारे साथ, लेकिन फिर भी बहुत छोटे में, बहुत सूक्ष्म में, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको भगवान भैरव के जन्म की कथा सुनाता हूँ। एक बार देवताओं की सभा थी, देव सभा में ब्रह्मा जी का आपने देखा होगा कि उनके पांच मुख होते थे, चार मुख चार दिशाओं में होते थे और एक मुख ऊपर हुआ करता था। जो वो पांचवा मुख था, चार मुख से तो वो वेदों का पाठ करते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण निरंतर होता था, लेकिन पांचवें मुख से वह भगवान शिव की और सभी देवी देवताओं की भर्त्सना किया करते थे, उनकी बुराइयां किया करते थे। एक बार भगवान शिव जो है सभा में बैठे थे, उन्होंने बहुत खुद को कंट्रोल किया, स्वयं पर बहुत निरंतर नियंत्रण रखा, निरंतर कंट्रोल करते जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी जो है एक मुख से उनकी बुराई करते जा रहे थे। भगवान शिव से एक सीमा के बाद वह कंट्रोल नहीं रह पाया, वह नियंत्रण जो है वह नहीं रह पाया और उनके शरीर से भैरव जी उत्पन्न होते हैं और उन्होंने अपने हाथ से, अपने नाखूनों से वो जो पांचवा सिर था उसको काट लिया। अब जब भैरव जी ने वह सिर काट लिया तो भगवान शिव ने कहा कि इस देवलोक में हम किसी ब्रह्म हत्यारे को रहने नहीं दे सकते, आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, अब आप यहां से जाइए। और वह जो सिर था ब्रह्मा जी का, वह भैरव जी के हाथ में चिपका रहा। तो भगवान शिव ने बोला कि जिस भी स्थान पर यह शीश आपके हाथ से स्वयं अलग हो जाए, आप वहीं स्थापित हो जाना, वह स्थान ही आपका होगा। और फिर उसके बाद भैरव जी जो है वह पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर विचरण करने लगे। और आज जहां काशीपुरी में काल भैरव का मंदिर है, जब वह बनारस यानी काशीपुरी जो पुराने समय का आनंदवन था वहां आए और उस स्थान पर उनके हाथ से वह शीश छूट गया, तब भगवान भैरव ने उस स्थान को अपना स्थान बना लिया। और इस कारण से उस स्थान का महात्मा आज की तिथि में भी बहुत है, इसीलिए भगवान भैरव के स्थान को, काशी विश्वनाथ के स्थान को कहते हैं कि उस स्थान में जो महादेव शिव की पूजा करता है, काशी विश्वनाथ की पूजा पाठ करता है और भैरव जी के दर्शन नहीं करता तो उसकी काशी यात्रा, काशी तीर्थ अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। वहां पर जब आप जाएं तो काशी विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव जो वहां के कोतवाल हैं उनकी पूजा पाठ आराधना अवश्य करें। आज के दिन का बहुत ज्यादा महात्मा है हमारी काशी में। और आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। फिलहाल हमें दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।